लास्ट वाले एपिसोड में आप लोगों ने देखा हेल लॉर्ड ने कैद कर रखा था लूसीफर, फ्रैंकलिन और तंजीरो को। उसके बाद हेल लॉर्ड वहां से निकल जाता है और उसके बाद जो है अपना सुकूना उनको आज़ाद करने के लिए बुलाता है सुपरमैन को फोन करके। फिर वो दोनों के बीच में होती है घमासान नकली फाइट। हाँ, आपने एकदम सही सुना, एकदम नकली फाइट, जिस फाइट में हमारा सुपरमैन जीत जाता है और वो फ्रैंकलिन, लूसीफर और तंजीरो को आज़ाद कर देता है। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है इस एपिसोड में। उसका नाम
एस से स्टार्ट होता है। तुम ही बताओ है लॉर्ड, कौन हो सकता है वो बंदा? अरे ऐसा तो एक ही बंदा है जिसका नाम एस से शुरू होता है, उसका नाम सुपरमैन है। तुम मुझे लगता हो डेविल गॉड से कमजोर ही हो, क्योंकि डेविल गॉड ने सुपरमैन को काफी बार हराया है, लेकिन तुम मुझसे हार गए, ये तो बड़ी शर्म की बात होगी। लेकिन मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, अगर इस बार तुम हेवन आर्मी से किसी भी एक को पकड़ लाते हो तो मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दूंगा। अब तुम यहाँ से जाओ और हेवन आर्मी के कोई ना कोई एक बंदा, कम से कम एक बंदा तो तुमको यहाँ पर लाना ही होगा, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। समझ रहे हो ना? क्या नाम था तुम्हारा? सुकुना। समझ गए ना तुम मेरी बातें अच्छे से? अगर तुम एक को भी नहीं ला पाए तो मारे जा सकते हो। हाँ, आप जैसे कहते हो हेलोड, मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। मैं अभी जाता हूँ हेवन में और वहाँ से किसी एक बंदे को मार पीट कर मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ। अरे ये क्या, मैं तो नीचे गिर गया। अभी यार मुझे लेकर तो आना होगा, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है आखिरकार मैं अपने दोस्तों को कैसे पिटूंगा। ये बात फ्रैंकलिन को बतानी होगी, उसके बदले में वो ही मुझे कुछ अच्छा प्लान बता सकता है जिससे मैं हेलोर को बुद्धू बना सकता हूँ, बेवकूफ बना सकता हूँ। यार क्या करूँ, ये तो अभी थोड़ा रिस्क का काम हो गया क्योंकि आप मेरी जान पर बनाई है। अगर मैंने कुछ भी गलत कर दिया तो हेलोर मेरी जान ले लेगा। फटाफट चलता हूँ यार अपने फ्रैंकलिन के पास। यार फ्रैंकलिन भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है, वो है मेन बैंक की बिल्डिंग पर। लास्ट टाइम मैंने उसे वहीं पर ही छोड़ा था, और मतलब देखा था यार, छोड़ा तो क्या था, छोड़ा तो सुपरमैन नहीं था, लेकिन अभी मैं पहुंच चुका हूँ। और गाइस अगर आप चाहते हो कि मेरी जान बच जाए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। ये रहा अपना फ्रैंकलिन। तो फ्रैंकलिन यार मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत में हूँ, तुम मेरी मदद करो। वो हेलोड ने मुझे बताया है कि मैं किसी एक हेवन आर्मी के बंदे को लेकर आऊँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये मैं कैसे कर सकता हूँ। सुनो सुकुना, तुम पहले शांत रहो, मैं समझ गया। अपने को एक प्लान बनाना होगा, उसके ऊपर ही अपने को काम करना होगा। वो प्लान बहुत ही खतरनाक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्लान काम करेगा। अच्छा तो फ्रैंकलिन मुझे बताओ आखिरकार प्लान है क्या? हाँ तो मैं तुम्हें प्लान बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। तो ये जो दिख रहा है बगल में, ये आयरन मैन नहीं है बल्कि आयरन मैन का सूट है, और इस सूट में खतरनाक फीचर है। आयरन मैन ने ये सूट मुझे गिफ्ट किया था। इसमें आयरन मैन की आवाज़ जो है रिकॉर्डेड है, और वो काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करती है। अगर तुम इस सूट को ही ले जाओगे तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई है ही नहीं, बल्कि उसे लगेगा कि ये आयरन मैन है। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बनाई है आयरन मैन ने। अब तुम इस सूट को ले जाओ और हेलोड को बेवकूफ बनाओ, बस यही करना है। तुम्हारी जान भी बच जाएगी और हमसे लड़ना भी नहीं पड़ेगा। अरे फ्रैंकलिन तुमने तो एक गजब प्लान बताया है, अभी मैं लेट हो रहा हूँ तो मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वैसे यार ये आयरन मैन का सूट तो कमाल है, इसमें यही फीचर है जो अपने आप जवाब देगा, वो भी आयरन मैन की आवाज में। ये तो कमाल की चीज है, अब इसे ही ले जाऊंगा और जो है हेलोड को बेकूफ बनाऊंगा, साथ के साथ पूरी की पूरी हेल आर्मी जिसमें डेविल लॉर्ड और डेविल क्वीन है उनको भी इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि आयरन मैन की टेक्नोलॉजी से आगे कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं है लॉस सैंटोस के अंदर। आयरन मैन की टेक्नोलॉजी सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है पूरी लॉस सैंटोस के अंदर। ये लो मैं तो पहुंच ही गया हेल में, ये रहा हमारा हेल। यहाँ पर चलते हैं सीधे के सीधे हेलोड के पास और उनको बताता हूँ कि मैं लेकर आया हूँ आयरन मैन को। हेलोड, मैं लेकर आ चुका हूँ आयरन मैन को, अब जो करना है तुम इससे कर लेना, वैसे भी मेरा काम तो यहीं तक था। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, अब इससे पूछो कि आखिरकार जो है फ्रैंकलिन कहाँ पर है। अरे मुझसे कोई भी पूछेगा कि फ्रैंकलिन कहाँ पर है तो मैं उसे जिंदगी में कभी भी नहीं बताऊंगा आखिर फ्रैंकलिन कहाँ पर है। फ्रैंकलिन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और उसके बारे में मैं किसी को नहीं बताऊंगा, समझ गए ना?
सुकुना, है लॉर्ड और डेविल क्वीन। ये बात तो तुम्हें बतानी ही होगी, वरना तुम आज जान से जाओगी, वरना बड़ा पछताओगे अगर बच गए तो। याद रखना आयरन मैन, अब क्या करना है, है लॉर्ड, या तो मैं इसे मार दूं, या इसे भी हम कैद कर सकते हैं जैसे हमने फ्रैंकलिन, लूसिफर और तंजीरो को किया था। इसे कैद तो करना है, लेकिन थोड़ी से छेड़खानी करो, इसे पीटो ताकि ये हमें बताए कि आखिरकार बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ। तुम चाहे मेरी जान ही क्यों ना ले लो, आज मैं मर ही क्यों ना जाऊँ, लेकिन फ्रैंकलिन का पता मैं किसी को नहीं बताऊँगा, ना ही हेल लॉर्ड को, ना ही डेविल क्वीन को, और ना ही तुझे। सुन रहे हो ना सुकुना? अरे सुन रहा है तू? अगर तुम बताओगे नहीं तो ऐसे ही पिटते रहोगे। मैं सुकुना को तब तक नहीं रोकूंगा जब तक ये नहीं होगा। तुम ऐसा करो सुकुना, इसे कैद कर लो अपने पिंजरे में। आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी चाहिए तो 100 लाइक का टारगेट है, तो कृपया करके 100 लाइक कंप्लीट करवा दीजिए। वैसे आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में इस बारे में भी अपनी राय बता देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।